ये वीडियो है फॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट विकास जी का, जिसने अपनी यूपीएससी की तैयारी में 7 साल लगा दिए पर यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए आज ये एक कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं। और ये एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे आपको बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे ओल्ड राजेंद्र नगर में जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, ये कहना है स्टडी आईक्यू के टीचर मिस्टर अमित का, जो बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं। और आज दौर ऐसा आ गया है कि काफी एस्पिरेंट अपनी जान दे रहे हैं एग्जाम क्लियर नहीं होने पे, लेकिन इसके बावजूद कोचिंग सेंटर्स अपनी जेबें गर्म करने के लिए बच्चों को इस ट्रैप में धकेल रहे हैं और सरकार इसके बावजूद कोई स्टेप नहीं ले रही। हर साल 5 से 7 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और वैकेंसी कितनी होती है, जस्ट 500 to 800। जब हमें पता है कि इतनी लो सक्सेस रेट है, तो तब भी गवर्नमेंट इस पे कोई स्टेप क्यों नहीं उठा रहे और कोई कैप क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि युवाओं को एक जगह बिजी रखने के लिए गवर्नमेंट को काफी फायदा होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए या नहीं और कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे स्कैम्स होते हैं, तो आइए जानें। गारंटेड प्रीलिम्स क्लियर एंड इफ प्रीलिम्स नॉट क्लियर फी विल बी रिफंडेड। मिनिमम प्रीलिम्स तो करवा ही देंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। और ये क्लेम्स हैं ओल्ड राजेंद्र नगर के काफी सारे आईएएस कोचिंग क्लासेस के, जो ऐसा करके 11 लाख से ज्यादा बच्चों को जिंदगी से खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही एड्स को देख के बच्चा आईएएस बनने की सोचने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये काफी आसान है। क्योंकि जो बच्चा स्कूल और कॉलेज में काफी अच्छा कर रहा है, तो उसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देख के वो भी ये सोचेगा कि मेरे को भी यही करना है। और मोस्ट केसेस में ग्रेजुएशन वो अपनी 21 ईयर्स की एज तक कंप्लीट करता है और वो प्रिपरेशन में लग जाता है, और अब वो नेक्स्ट 1 ईयर काफी इंटेंस पढ़ाई करता है और घुस जाता है, जिसकी वजह से सोशली कट जाता है और नेक्स्ट ईयर के अटेम्प्ट में मेजॉरिटी केसेस में लोग रह जाते हैं। तो फिर वो उसी विस्कस साइकिल में घूमता रहता है। और जैसे कि हमें पता है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, तो वो लगा रहता है और 21 से एज से स्टार्ट होके 27-28 तक वो और कुछ नहीं करता, बस इसी पे फोकस करता है और वो फ्रेशर्स ही रह जाता है। और अगर दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर करें तो बच्चे अब तक सेटल होके शायद अपनी मेरिट लाइफ जीते हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंटल स्टेट उस बंदे का कितना टॉक्सिक होगा और उस पे जॉब ना होने की वजह से और कोई स्किल ना होने की वजह से उस पे क्या गुजर रही होगी, और सोसाइटल कट्स ऑफ हो जाने की वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं रहता और ना ही कोई ग्रुप रहता। तो उसके पास अब 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो आगे फर्दर स्टडीज करें या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। तो अब बात करेंगे कोचिंग क्लासेस के स्कैम्स के बारे में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मोस्टली केसेस में एडमिशंस के लिए कोचिंग सेंटर्स फेक प्रोमिसेस करते हैं। तो देखिए, सिविल सर्विसेज में 3 स्टेप्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और आगे कोई किसी भी स्टेज पे अगर क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो दोबारा से उसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो सोचिए, जो इंसान 5 से 8 लाख लोगों को पीछे छोड़ के किसी भी स्टेज पे रुक जाता है, तो उसको दोबारा से नए 7 से 8 लोगों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। तो अब इन एड्स को देखो, सारे कोचिंग सेंटर्स गारंटी दे रहे हैं कि वो प्रीलिम्स पास करवा देंगे। तो आप गेम समझिए कि हो क्या रहा है। प्रीलिम्स तो जस्ट फर्स्ट स्टेप है, अभी भी मेंस और इंटरव्यू बाकी है, तो इसका मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट स्टिल आपको 1 से 2 लाख रुपए की फीस एडवांस में पे करनी पड़ेगी, चाहे फिर आप ऑफिसर बनो या ना बनो। तो देखो, इस एग्जाम में 0.08% ही, मतलब 700 से 800 लोग ही एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, एंड सक्सेस रेट इज नॉट इवन 0.5%। तो दोबारा से जिनका एग्जाम नहीं हो पाता है, तो फिर वो उसी विस्कस साइकिल में घुस जाते हैं, और अगर कोई बच्चा प्रेशर से डील नहीं कर पाता है तो वो सुसाइड जैसे सीरियस स्टेप भी ले लेता है। सेकेंड प्रॉब्लम है फेक सक्सेस स्टोरी, जिसको लेकर हाल ही में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 17 बड़े इंस्टीट्यूट्स को नोटिस जारी किया, उसमें से 3 कोचिंग्स पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी इम्पोज की। दरअसल द प्रिंट के ग्राउंड रिपोर्ट्स से पता चला कि दिल्ली के 3 बड़े आईएएस इंस्टीट्यूट अपने कैंडिडेट्स के पासिंग नंबर को इनफिल्ट्रेट कर रहे थे। 2017 में यूपीएससी ने 990 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला, बट द प्रिंट की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसी साल
ALS कोचिंग ने दावा किया कि उनके 244 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। वाजीराम एंड रवि ने 400 प्लस स्टूडेंट्स के क्लेम किया एंड चाणक्या कोचिंग ने 355 स्टूडेंट्स पे क्लेम किया। तो जब द प्रिंट ने इसको ऐड किया तो टोटल नंबर 999 आया, जो कि एक्चुअल नंबर से 9 सीट ज्यादा। तो इससे यही कंक्लूजन निकला कि इन कोचिंग सेंटर्स की फिगर काफी इन्फ्लेटेड थी। तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि तुम लोग इस कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन ले लो। नाउ द थर्ड इशू इज हाउ टू क्रैक यूपीएससी पैटर्न। तो आपने ऐसे एडवर्टाइजमेंट तो देखे होंगे कि कैसे करें यूपीएससी पास, यूपीएससी क्रैक बाय अस। तो अगर आप देखोगे ना तो ऐसे कोचिंग एड्स यूपीएससी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा नॉर्मल है और कोचिंग ये क्लेम करती है कि उन्होंने यूपीएससी क्लियर करने का पैटर्न डिकोड कर लिया है, बट ये सब झूठ होता है। ये खुद बोलना था यूपीएससी के फॉर्मल चेयरमैन का। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि कोचिंग से यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता है, और ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि 2018 के टॉपर आईएएस अनुदीप का ये कहना था कि जब तक यूपीएससी कोचिंग सेंटर उनको एनालाइज करके उसको डिकोड कर पाती है तब तक यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर देती है। और इसका एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी 2022 एंड 2023 के पेपर में देख ही लिया कि उन्होंने अपना पैटर्न कैसे चेंज किया। लेकिन एक और बड़ी गड़बड़ है जो गवर्नमेंट आज तक हमसे हाइड करती आई है और गवर्नमेंट नहीं चाहती ये बात किसी को पता चले। देखिए, हर साल इतने बच्चे यूपीएससी लूप में फंसने से गवर्नमेंट को काफी बड़ा फायदा होता है, एंड स्पेशली दो फायदे होते हैं। पहला है NEET नीट फिनोमिना। ये मेडिकल वाला नीट नहीं है, इसका मतलब है नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग पॉपुलेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि हर साल काफी बड़े नंबर्स में हमारे देश में बच्चे ग्रेजुएट्स होते हैं और अगर वो एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो वो गवर्नमेंट से जॉब की डिमांड करेंगे। बट यहाँ पे सिनेरियो अलग है। जो बच्चे प्रिपरेशन में घुस जाते हैं वो ना तो जॉब्स मांगते हैं और ना जॉब्स करते हैं, बस अपनी प्रिपरेशन में बिजी रहते हैं। और इसका मेजर रीजन है कि वो अपने आप को अनएम्प्लॉयड नहीं समझते, बस वो अपने ड्रीम्स को चेज करने में 5 से 6 साल बिजी हो जाते हैं। एंड नाउ द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 30% यूथ इस नीट कैटेगरी में आता है। एंड एक रिपोर्ट के हिसाब से देश के यूपीएससी एस्पिरेंट की मेजोरिटी ऑफ नीट यूथ है, और ये काफी सीरियस इशू है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये नीट यूथ 5 से 10% होता है, बट इंडिया में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो वो एस्पिरेंट्स के लिए कुछ नहीं करती क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का ही फायदा है। एज पर इंडियन एक्सप्रेस, आज इंडिया के 42.3% यूथ कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड है, एंड इसमें अगर आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को ऐड कर दोगे तो आप ही सोचो कि कितने बच्चे अनएम्प्लॉयड है। अब दूसरा फायदा, फाइनेंशियल गेन्स। आईएएस कोचिंग इंडस्ट्री चलाने से इतना पैसा आता है कि वो हर साल एक राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं। देखो, यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री 3000 करोड़ की है और कोचिंग फीस पे 18% GST लगता है, और इसलिए गवर्नमेंट को एनुअली 540 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू बस इसी एक इंडस्ट्री से मिलता है। ये काफी बड़ा नंबर तो नहीं है, बट स्टिल ये प्रॉफिटेबल साइड पे है। तो मैं इस एग्जाम के अंगेज नहीं हूँ, बल्कि इस एग्जाम की वजह से हमारे देश को एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं, जैसे कि एस जयशंकर, अजीत डोवाल। तो मेरा गवर्नमेंट और एस्पिरेंट्स के लिए एक ही सजेशन रहेगा कि एस्पिरेंट्स तो पहले अपना प्लान बी रेडी करें और उसको सही समय पे एग्जीक्यूट कर दें। और इसका बेस्ट एग्जांपल है गीता गोपीनाथ जी। गीता गोपीनाथ आज IMF के पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और वो इस पोजीशन पे आने से पहले एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी। यस, उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करते वक्त DU में उन्होंने इकोनॉमिक्स लिया था जस्ट फॉर यूपीएससी, बट जल्दी ही उन्हें ये समझ में आ गया कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं है, और उन्होंने प्रिपरेशन को वहीं छोड़ के हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चले गए, और आज वो ऐसे एमिनेंट पोजीशन पे हैं। तो एस्पिरेंट्स, यूपीएससी होना आपका करियर और लाइफ का द एंड नहीं है, आपके लिए उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हर टाइम पे वेट कर रही होती है। दूसरा सजेशन गवर्नमेंट के लिए है,
जो खुद यूपीएससी चेयरमैन अरविंद सक्सेना जी ने बताया है, और वो है डायरेक्ट सिलेक्शन। उन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था जो एस्पिरेंट्स इंटरव्यू करेक्ट नहीं कर पाए, सिविल सर्विसेज उनको डायरेक्ट प्रेफरेंस दूसरी जॉब्स में दे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड IFSCA ने इंटरव्यू तक पहुंचने वाले एस्पिरेंट्स को डायरेक्ट जॉब देने का फैसला किया। इनफैक्ट 2022 में IFSCA ने इन कैंडिडेट्स के लिए 8 वैकेंसीज भी निकाली, बट ये नंबर काफ़ी छोटा है। बट होपफुली आगे ये नंबर आगे तक बढ़े। तो आप भी अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में रखें, क्या पता हमारी वीडियोस सही ऑफिसर तक पहुंच पाए और उन्हें हमारा आइडियाज मिल जाए। तो अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब आवर चैनल।